الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين رحمة بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم صدق الله مولانا العظيم درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله یہ اسپیکر والے کو ہے اس کی ایکو بالکل بند کر دیں آواز کے لیے رکھیں بس صاحب صدر گرامی قدر عزت مآب حضور قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ جناب برادر محترم حضرت علامہ تصبر حسین صدیقی صاحب جناب حضرت علامہ مولانا عبدالغفار خان سیالوی صاحب اس مسجد کے خطیب محترم عزیزم جناب علامہ احمد علی حرل صاحب تمام
मेहमानान गिरामी कदर, खुश नसीब और खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, इंसान के वजूद दो होते हैं, एक ये हयूला है, ये इंसान का जाहिर जिस्मानी है, एक वजूद ईमानी होता है। जिस्मानी वजूद में आपकी, मेरी और शाह साहब की दो ही आंखें हैं, हम सब के हाथ दो हैं, हमारे पहलू में धड़कने वाला दिल एक है, हम सब प्यास लगे तो पानी पीते हैं, भूख लगे तो खाना खाते हैं, हमारे बज़ाहिर जिस्मानी तकाजे भी एक से लगते हैं, हमें कोई देखे तो हम सब जो आदमी हैं हम एक से नजर आते हैं रंग को छोड़कर, लेकिन फर्क ये है जो मन है जिसमें रहता सजन है, कोई सरापा अंधेरा है, कोई आफताब है, कोई चन्न है, इसलिए वजूद ईमानी जो है असल वजूद वो है। ये जो वजूद है, जो मौजूद है, ये वजूद लिबास है, असल बंदा अंदर है, असल बंदा अंदर है, उसी अंदर वाले का नाम सिकंदर है। वैसे तो हमारी इस बज़्म के सदर साहब भी हजरत सिकंदर गोलड़वी हैं, तो उनका नाम आ गया है। ये वजूद जो खाक का पुतला है, ये जो बहुत सारी चीजों से मुरक्कब है, ये तन है, और इस तन के अंदर मन है। इस तन का कोई नहीं, बुल्ले शाह कहते ना, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर प्या कोई होर। अब हम तो शायरी समझ के गुजर जाते हैं, असा मरना नहीं गोर प्या कोई होर, एक ही गल हुई, तुसा मरना नहीं ते गोर प्या कोई होर। उन्होंने कहा जो मैं हूं, मैं पे तो मौत है ही नहीं, इस पे तो मौत। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, इल्म व हिकमत का शहंशाह, अब फरमाते हैं कि समझाने के लिए कहा, कहा खुदा में और रूह में क्या फर्क है, खुदा में और रूह में क्या फर्क है। कहने लगे खुदा वो है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और रूह क्या है। कहा रूह ये है, हमेशा से तो नहीं थी पर हमेशा रहेगी। रूह पर मौत नहीं है, मौत बदन पर है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मौत को समझे हैं नादा इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी। दूसरे मकाम पे कहा फरिश्ता मौत का गो छूता है बदन तेरा, फरिश्ता मौत का गो छूता है बदन तेरा, तेरे वजूद के मरकज से मगर दूर रहता है।
वारिस शाह ने इशारा दिया ना, वारिस शाह ओ सदाई जीऊं देनी जिन्हां कीतियां ने कमाइयां। कुराने मजीद ने कहा फला नुह ये यन्नहु हयातन तय्यबा, शहीद के लिए कुरान ने कहा वला तकूलू ले मैं युक्तलो फी सबीलिल्लाह अमवात, फरमाया जो मेरी राह में टोटे टोटे हो जाए, जिसके तन बदन का कीमा हो जाए, कीमा हो जाए, टंकों की चैनों के अंदर आके मिलिया मेट खेत में खेत हो जाए, अल्लाह फरमाता है उसे नोके जुबान से मैयत भी न कहना, उसे मुर्दा भी न कहना। अब आप कह सकते हैं मौला कोई हम अंधे हैं, उसका कीमा भी नहीं बचा, तू कहता है जिंदा है। उसने कहा दीवाने कीमा बदन का हुआ है, मन तो सलामत है। तो इसलिए इब्तिदाई गुजारिश ये है कि एक है वजूदे ईमानी, अब वजूदे ईमानी भी बराबर, एक वजूदे ईमानी है सरकार का वो और है, एक वजूदे ईमानी है अंबिया का वो और है, एक है सिद्दीकीन का वो, शुहदा का वो, सालेहीन का वो। अब मर्तबा मकाम के मुताबिक उस वजूद में फर्क है, जिसने फर्क ना रखा उसके ईमान का बेड़ा गर्क है। फर्क है, एक आप हैं एक हम हैं और एक वो। मसलन आप भी कुरान पढ़ते हैं, हम भी। अभी किबला शाह साहब ने जो इशारतन हवाला दिया आला हजरत अजीमुल बरकत का, किसी ने लिखा जनाब अल हाफिज अल अल्लामा। अब आप अल्लामा तो थे, हाफिज नहीं थे। और हमारी दुनिया में आदत ये है बंदा पाओ नहीं होता और कहता है मुझे शेर लिखो, जो शेर नहीं है वो कहता है मुझे सवा शेर लिखो, और जो बिल्ली भी नहीं है वो कहता है मुझे शेर लिखो। क्यों जी, है कि नहीं? जो बिल्ली नहीं वो कहता है शेर लिखो, और जो 5 किलो नहीं वो कहता है मुझे पूरा मन लिखो, जो मन भी नहीं वो कहता है मुझे टन टन लिखो। हर बंदे को मुसीबत है, जो कुछ है नहीं चाहता है मुझे। और अगर खुदा ना खास्ता नाम छोटा लिख दो गुस्से में आएगा, गुस्से में आएगा, एहतजाज फरमाएगा, बल्कि जलसे में ही नहीं आएगा कि मेरा नाम छोटा क्यों लिखा, नुकर में क्यों लिखा, नीचे क्यों लिखा, ऊपर क्यों नहीं लिखा, इसी में मरा जा रहा। सूरत हाल ये है, अब भी और तब भी दुनिया चाहती ये है कि है छटा की जितना, कहता है मुझे पहाड़ कहो। भाई तुझे कैसे पहाड़ कहें, क्यों इतना बड़ा झूठ बोले? लेकिन जिनके ईमान की ताकत ये है, हाफिज नहीं थे, किसी ने लिख दिया खुश होते, उल्टा कहते कि तेरे हुस्ने जन पे कुर्बान, तूने किया मुझ पे अच्छा गुमा, तेरे मुंह में घी शकर। लेकिन आपने कहा अब ढूंढूं उसे कहां,
कहां का था मुसलमान, अब उसके पास तो मैं जा नहीं सकता। एक काम कर सकता हूं, मेरे मोमिन भाई ने मुझे हाफिज जाना, हम जोर लगाएंगे उसको सच्चा बनाएंगे। जुठलाना आसान है, सच्चा बनाना औखा है, बिगाड़ना सौखा है, संवारना औखा है। बिगाड़ना मिनट में बिगड़ जाता है, बनाने पे साल लगते हैं। इमाम अहले सुन्नत इल्म फन का शहंशाह, नबी के दर का सच्चा गदा, नाम था जिसका अहमद रजा। ऐसे नहीं बन जाते, बदन तो यही है, तन तो यही है, पर मन में कितना फर्क है। अब फर्क समझें, मन का फर्क समझें। मैं आप जितना भी जहीन फतीन हूं, कुरान को हिफ्ज करने बैठे कितना वक्त लगेगा? बहुत वक्त चाहिए। उस्ताद चंगा भल्ला मरेला हो, मरेला मरेला मतलब, हाँ ठीक है, मारणाला उस्ताद मरेला हो और शगिर्द भावे लेला हो, मतलब जिमें उस्ताद आके उंज करण आला होवे, फिर भी सुबह सादिक के वक्त उठाता है, सुबह अजान से पहले उस्ताद उठाता है और खुद लकड़ी लेके बैठ जाता है। बच्चा भी बेचारा, लोग सो रहे हैं, वो सर हिलाता है, आयत पे आयत का तकरार फरमाता है, सूरज निकल आता है, एक रकू भी याद क्यों जी? फिर एक महीना नहीं, साल गया, दूसरा साल आया, तीसरा साल आया, हिफ्ज तो मुकम्मल फरमाया, पर ये एबिलिटी नहीं है कि मुसल्ले पे खड़ा कर दो। उस्ताद ने कहा एक साल और लगवाऊंगा, मंजिल दोहराऊंगा, फिर शायद इस काबिल पाऊंगा, मुसल्ले पे 10 सिपारे सुनवाऊंगा, 10 अगले साल ले जाऊंगा। लेकिन अहमद रजा उसको कहते हैं, सारा दिन मामूल के मुताबिक अपने मामूलात निमटाते, मगरिब से इशा तक सिपारे को फेरा लगाते, इशा की नमाज पढ़ के पूरा सिपारा तरावी में सुनाते। उधर रमजान खत्म, उधर कुरान खत्म, लेकिन जो बात समझने वाली है, आप समझ रहे हैं महीना लगाया। हजूर महीना तो तब लगे कि सारा दिन पढ़े, मगरिब से इशा तक मिनिमम या मैक्सिमम टाइम होता है 1.25 घंटा। मगरिब से इशा के दरमियान कितना वक्त होता है? 1.5 घंटा, 1.25 घंटा। उसमें वुजू भी बनाना है, रमजान जो है। अब बाकी बचा घंटा, घंटे में हर रोज एक सिपारा, तो पूरा कुरान कितने घंटे में?
30 के 35 कहो, है कोई मां जाया जिसके पास हो इतना हिकमत का सरमाया, जिसने कुरान का समंदर उठाया 35 घंटे में मन में समाया, अल्लाह ने एक बंदा ऐसा भी बनाया। हमने खुदा वास्ते यौम रजा नहीं मनाया, कुछ समझ में आया है? वैसे तो जिसका जी चाहे किकर पीर का उर्स मनाए, माफ करना, ये बोहड़ पीर है, ये किकर पीर है, ये फला, अगर आने पे आ जाए तो लोग उनका भी मना लेते हैं, लेकिन ये वो हक की सदा है। एक मिसाल मैंने कुरान मजीद की दी, और आपको पता है आपने पहला फतवा किस उम्र में दिया? हम जिस दौर में सांस ले रहे हैं, जहां पांव धरो वहीं से मुफ्ती निकल आता है, बल्कि अब तो लगता ये है सारे मुफ्त के मुफ्ती हैं। अक्सरियत जो है उनको सलाम है, वरना नाम ही नाम है। मुफ्ती और उम्र क्या 14 साल की उम्र पूरी नहीं हुई और आपने पहला फतवा सादर फरमाया। फतवा लेने वाला जब आया, आपके वालिद को कहा, हुजूर मुश्किल अदक मसला है, आप लिख के दें। फरमाया मुफ्ती साहब अंदर बैठे हैं। वो आया, अभी मसें भीगी नहीं है, अभी जवानी की दहलीज पे कदम जमाया नहीं है, अभी सांवल का सिलसिला आया नहीं है। किताबां मुफ्ती थल्ले ते किताबां बल्ले बल्ले, ओ मदीने आला जे दे वल्ले, सारा जग ओदे पैरां दे थल्ले। इल्म बुनियादी शय है, इल्म बुनियादी शय है। हजरते ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते थे, इल्म तरीकत की भी बुनियाद है, हकीकत की भी बुनियाद है, शरीयत की भी बुनियाद है, हर मर्तबा इल्म की औलाद है, हर मकाम इल्म की, समझाने के लिए कह रहा हूं, इल्म की औलाद है। इल्म अब्बा है, नसीबों वालों को लब्बा है। इल्म, मेरी उर्दू कमजोर है इसलिए मैंने बीच में पंजाबी, इल्म सब मंजिलों का अब्बा है, लेकिन हर किसी को नहीं लब्बा है, नसीब वालों को। इसीलिए मिसाल देता हूं पाक पतन की, फरीद सजन की, और फरीद के पास आने वाला के मेह नहीं था, आने वाला भी वक्त का महफिल शिकन था। क्या महफिल शिकन? दिल्ली का मुनाजरे इस्लाम, नाम था उसका ख्वाजा निजाम, और जब आए थे आपको मशारे कुल अनवार हदीस की किताब पूरी हिफ्ज थी। जो यहां उलमा तुलबा बैठे हैं, मकामाते हरीरी याद नहीं हुई, आ गया वक्त पीरी, मकामाते हरीरी ऐसी अजीब किताब है, बंदे का खत्म हो जाता हिसाब किताब है, कमाल किताब, लाजवाब है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को हिफ्ज थी, और आप शेखुल इस्लाम के मर्तबे पे पहुंच सकते थे अगर दिल्ली रहते, लेकिन फरीद के इश्क ने सताया।
फरीद के प्यार ने सताया, निजाम को दिल्ली से उठाया और पाक पतन पहुंचाया, न जहाज न बस न रेल पे आया, पैदल टुराया और ये दस के दस नाखून चलते चलते पांव पे छाले, नाखून उखड़ गए, दस के दस नाखून उखड़ गए, चलते चलते थक गए तो पूछा पांव के छालों ने, इतनी बस्ती दूर बना ली दिल में बसने वालों ने। हद कुन फकां से गुजर गया, हद कुन फकां से गुजर गया, हद ला मकां से गुजर गया, तेरी जुस्तजू में खबर नहीं वो कहां कहां से। नारा फरीद ना लांघे, सुभान अल्लाह, सराय की अगर पल्ले पड़ जाए तो अच्छी शायद। नारा फरीद न लांगे, हिन पैंडे सख्त अड़ांगे, हे पंथ बहु मुश्किल दा, क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज न मिलदा। अब तो ये स्टूडेंट है ना, चाहे कॉलेज के चाहे मदरसे के, एक दिन इनको दाल खिलाएं दूसरे दिन तशरीफ ही ना लाएं। ये बोटियां खाते हैं, गोश्त खाते हैं, उससे भी उकताते हैं, उल्टा इनको चार दिन गोश्त खिलाओ फिर उस्तादों के खिलाफ नारे लगाते हैं, जरा नहीं शर्माते हैं। ये नसल है, अजीब शकल है, ना इल्म है ना अकल है, अजीब शकल है ये स्टूडेंट हमारे। पीछे पलट, थोड़ा सा पीछे हट, हजरत निजाम आए पाक पतन, और पाक पतन में मिले फरीद सजन। आप जानते हैं अल्लाह, बिस्मिल्लाह, करने कुर्सी बड़ी सख्त किस्म मेहरबान। असल में ये कुर्सी अजीब सी है, इस पे बैठ जाओ तो उठने नहीं देती, लगता है ये वजारत की कुर्सी है या सदारत की कुर्सी, जिस पे हमें बिठाया गया है। जैसे वजीर आजम किसी को बना दो तो फिर घसीट के उतारो, वैसे नहीं उतरते। अल्लाह हजूर, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जब पहुंचे तो गंजे शकर फरीद से पहली मुलाकात हुई तो आपने पूछा क्या नाम, क्या नाम? आगे से कहा सरकार निजाम। क्या कहा? सरकार निजाम। क्या काम? हजूर सलाम, मुख्तसर कलाम। अब आप मुझसे पूछे ना, जी हजूर आपका नाम, मैं पूरा पर्चा जेब से लिखा हुआ निकाल देता हूं, उस पे लिखा होगा हजरतुल अल्लाम उम्दतुल मराम खुलासतुल कलाम। बंदा सोच दे ही रवे कि ये इना दा नाम, उते वेखो ना ओ शाहबाज खिताबत शोला बयान। हालांकि मेरे पास ना अंगारा है ना शोला है, मैंने कितना प्यार से बोला है। ये चनियोट वालों ने शोला बना दिया, अल्लाह ही ने हिदायत कर। आपने गौर फरमाया कि अपने आप को हर कोई मियां मिट्ठू, लेकिन साईं के आगे क्या नाम? हजूर निजाम। क्या काम? सरकार सलाम। फरमाया समझ गए हम तेरा काम, समझ गए हम तेरा काम, निस्बत के लिए आए हो,
हुजूर आपने ठीक समझा, अब मुर्शिद मुरीद बनाना चाहता है, वो मुरीद होना चाहता है। तो मेरे गंजे शकर फरीद ने मेरिट क्या रखा पीरी मुरीदी का, मेयार क्या रखा, सुने मोती हैं चुने फिर सर धुने, मेरिट ये है। फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कहा दिल्ली से चले हो मुरीद होने, तो कुरान पढ़ना आता है। मैं पहले बता चुका हूं आप फारिगो तहसील थे दिल्ली के, लकब था महफिल शिकन, दिल्ली का सबसे बड़ा मुनाजिर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। लेकिन यहां पहुंचे तो टेस्ट लेने वाला भी एग्जामिनर भी फरीद। कुरान पढ़ना आता है, जब इतने बड़े लोगों के सामने बंदा आता है तो भावे आता है रह जाता है। कुरान पढ़ना आता है, सरकार पढ़ा तो है, फरमाया सुनाओ। जब हजरत निजाम पढ़ा अल्लाह का कलाम, सैयद ज़ादा था, इल्म व हिकमत का शहंशाह था, जब पढ़ा कुरान और सादा कल्लाहुल अजीम फरमाया, गंजे शकर फरीद ने सिर उठाया और आपने फरमाया, डट के फरमाया, फरमाया नौजवान मजा नहीं आया, मजा। आगे वो भी इतना अनपढ़ नहीं था, उसने कहा मजा होता दिल्ली ना सोता, मजा होता वहीं बैठा रह जाता। वह सोना यही चस तो खेच लाई है, हुण इश्क बनायुम चस साई, लखवार असाडी बस साई, हुण इश्क बनायुम चस। निजामुद्दीन ने कहा लजपाला चस होती तो क्यों धक्के खा के तेरे आस्तान पे आता, चस ही तो खेच लाई है, तेरी रस ही तो खेच लाई है, यही अट्रैक्शन ही तो खेच लाई है। अगर मैं इतना बड़ा कारिये कुरान होता, मेरे कदमों में सारा जहान होता, मैं क्यों आके तेरी मिट्टी पे कुर्बान होता। मेरे गंजे शकर फरीद से निजाम ने अदब से कहा सरकार चस तो आपके पास है, मैं तो बेचस बेरस कस ही कस। अल्लाह अकबर। हजूर किसी हाफिज साहब की कारी साहब की ड्यूटी लगाओ जो मेरा कुरान सीधा करवा दे। ऐसे बैठे थे सीधे हो बैठे, कौन मेरे फरीद। फरमाने लगे कारी साहब की ड्यूटी लगाऊं, फरीद किस मर्ज का इलाज। फरीद फिर खुद फरमाया कुरान भी तुझे पढ़ाऊंगा और तुझे इल्म कलाम भी पढ़ाऊंगा, तुझे तसव्वुफ भी पढ़ाऊंगा। छह सिपारे तजवीद गंजे शकर फरीद ने खुद पढ़ा, तमहीद अबू शकूर सालमी, इल्म कलाम अकीदे की किताब खुद पढ़ाई, अवारिफुल मारिफ खुद पढ़ाई। सोचो जब फरीद सही सजन पढ़ाता होगा, निजामुद्दीन पढ़ने आता होगा, मजा कुछ उठाता होगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते थे जब गंजे शकर फरीद पढ़ाते थे, जब रोंगटे खड़े हो जाते थे,
दिल करता था इजराइल आए फरीद पढ़ाए जान इत ही निकल जाए। ये लुत्फ कहा, मैंने कहा ना ये इल्म पहली शय है, ये हर मंजिल की बुनियाद है और हर मर्तबा इसी की औलाद है। इसलिए मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत को रब ने इल्म दिया कमाल दिया, इल्म दिया कमाल दिया। और इल्म में तीन उलूम तीन चीजें माथे के झूमर का हैसियत रखती हैं। पहली चीज कुरान है, दूसरी चीज हदीस है, तीसरी चीज फिका है, बाकी चीजें इनकी नौकर है। ये मंतिक, ये फलसफा, ये ग्रामर, ये फुलां, ये फुलां, ये जित इसकी आवाज आहिस्ता रखे, मुझे शौक नहीं है इसके ज्यादा, बस सही समझ आए, बस ये ज्यादा आवाज आती है कानों को खाती है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इल्म के लिए बुनियादी चीजें जिनके लिए इल्म पढ़ा पढ़ाया जाता है वो क्या है? कुरान, हदीस, फिका, ये तीन चीजें सरदार हैं। बाकी इल्म खिदमत गार हैं। और कुरान सबसे पहले, और कुरान मजीद क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अभी हजरत साहब ने फरमाया कि आला हजरत मौलाना अशा इमाम अहमद रजा कादरी के कलाम को, बात को समझने के लिए हर केह मेह ऐरा गैरा नथु खैरा वछेरा बटेरा हर कोई समझ नहीं सकता। अगर अहमद रजा को नहीं समझ सकता खुदा को कैसे समझेगा? सोचो ना जरा, जो अहमद रजा के कलाम को ना समझे वो खुदा के कलाम को कैसे समझेगा? इसलिए वैसे तो लंगोट कस के सारे मौलाना बने बैठे हैं, जिसकी दुम पे पांव रखो वही कहता मैं मुफस्सिरे कुरान। मगर कर जरा ध्यान, ये है अल्लाह का कलाम, बेनियाज का कलाम। जहां जिब्रील को भी समझ ना आए तो यार यार को पैगाम भिजवाए, बीच में कासिद घबराए, वो कहे काफ, आगे यार कहे फहम, तो तू जान न जान हम जान गए। तू माशाल्लाह, ये जो नारे होते हैं ये भी बड़े प्यारे होते हैं, इसी पे फकीरों के गुजारे होते हैं। ये अलग बात कि कुछ उलमा और नात खान घुटने रख के कहलवा लेते हैं, मेरे जैसे फकीर चुप करके गुजारा फरमा लेते। वरना जिस मौसम में हम गुजर रहे हैं, नात खान ते मौलाना बोल दे बाद चने, पहले आ दिन आखो सुभान अल्लाह, बंदा सिर फड़ के बह जाता है, बंदे दा पुत्रा बोलते सही पहले आदे सुभान अल्लाह। लेकिन मुझे इसकी आदत नहीं है क्योंकि मैं ड्यूटी करने आता हूं, मैं कहता हूं तू अपनी नबैड़ तैनू होर नाल की, तू पगड़ी संभाल तैनू चोर नाल की। गुलाम फरीदा इना दी ओ जाने सकू अपनी तोड़ निभावन दे। इसलिए आप कोशिश फरमाए, मैं अर्ज क्या कर रहा हूं, कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम को समझने समझाने के लिए इतने उलूम बने सिर्फ इस मालिक की नौकरी के लिए, इस कुरान की हदीस की नौकरी के लिए सारे उलूम वजूद में आए। तो आप क्या समझते हैं कि कुरान का तर्जमान बनना सौखा है?
बहुत नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन, हर बंदा ना तर्जमान, और तर्जमान भी किसका? रब का, अल्लाह का तर्जमान, अल्लाह का तर्जमान। वह बंदा बंदे का ठीक से तर्जमान नहीं हो सकता। मेरी बात जो समझ गए वो आप समझ गए कि बंदा बंदे की ठीक से तर्जमानी, तर्जमानी ये है कि खान मोहम्मद कादरी जैसे बोले, जब इसका कोई तर्जमान बने, मेरी आंख की तरह आंख खोले, होंठ की तरह होंठ खोले, लहजे की तरह लहजे में थकान हो, लफ्जों में चुभान हो, पूरे के पूरे मेरा नक्शा लीख के रख दे, वो तर्जमान होता है। जब बंदा बंदे का तर्जमान नहीं हो सकता, तो जो बेनियाज है, बेअंदाज है, उर्वार नहीं पार है, न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न सुझाई देता है, न हाथ में आता है, उसकी तर्जमानी करना कोई आसान काम है। वे लोग निकले तर्जमे करने, पर बिस्मिल्ला पे ही अड़ गए, इत्थे ही खड़ गए, इत्थे ही सूली पे चढ़ गए, जिस चनाब से निकले वहीं वड़ गए। मैं बिल्कुल आसान तरीके से अहमद खान हरल, मेरे आले पासे कर शकल, आप इधर आ जाए सामने, उधर मदद शदद चाहिए होती होती है ना जी, हुण गल बनी ना, और रुकावट बाकियों को भी नहीं जो सामने आना चाहे वो आ जाए। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम की तर्जमानी, ये है हक और सदाकत की निशानी, और वही कर सकता है अल्लाह की तर्जमानी जिस पे हो अल्लाह रसूल की कामिल मेहरबानी। वरना कुरान के तर्जमे करने को लुगतें रखेगा, तफसीरें रखेगा, कर जाएगा, लेकिन जब मर जाएगा अगले पूछेंगे रब का तर्जमान बना था ये मुंह और मसूर की दाल, ओए अपना मुंह तो संभाल। बिस्मिल्ला पहली चीज है क्या? बिस्मिल्ला, जितने आए, मैं नाम नहीं लेता तकलीफ ना हो, जितने आए तर्जमा करने के लिए, वो कॉलेजों में आए, वो यूनिवर्सिटियों में आए, वो जामियात में आए, वो दिन में आए, वो रात में आए, सारे लगता है बरसात में आए, नहीं समझे, मौसमी सीजनल थे, बरसात में आए, लगे तर्जमे करने, लगे तफसीरें लिखने, जब बिस्मिल्लाह का तर्जमा किया, आप सारे तर्जमे उठा लें, सब ने यही किया और हमें भी यही पढ़ाया गया कालजू में, सकूलों में, के शुरू करता हूं, शुरू करता हूं, शुरू करता हूं। ये शुरू के दा ना है अल्लाह दा, करता हूं ये भी रब दा नाम नहीं। अब हदीस क्या है? हदीस ये है, कुल्लो अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा बे बिस्मिल्लाह फहुवा अक्ता व अबतर। हदीस ये है, जो भी अच्छा काम करना अल्लाह के नाम से शुरू करना। तर्जमे से बड़ा अच्छा काम कौन सा था? हदीस में है, जब भी कोई अच्छा काम करना अल्लाह के नाम से शुरू करना, बैठे तर्जमा करने कुरान का, जब शुरू करने लगे तो क्या लिखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं, हूं। नहीं समझिया तू? शुरू करता हूं, सारे मक्खी पे मक्खी मारते गए,
वो सारे ही मक्खी पे मक्खी लकीर के फकीर पर आया सुनिया दा पीर वे संवला ना मार नैना दे तीर गौसु कुतुब सब तैं तू सदके कौन फरीद फकीर आया सुनियों का पीर था नबी के दर का फकीर और कहा करता था ये बातें भेजा करता था मदीने सौगातें के जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया जब नबी और इब्ने नबी आले नबी के सामने बोलता था इतना अदब से मुंह खोलता था कहता था तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा तेरी सदर सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा जुबान की नहीं ये बात है सीने की और कह रहा होता था हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो अरे काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो हमें किसी अल्लामा के इल्म का इनकार नहीं पर मजबूरी ये है मदीने वाले से ऐसा प्यार नहीं सदा गूंज रही है मक्के में हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो और काबा तो देख चुके काबे का और कुदरत ने उसे कान वो अता किए थे लोग बंदों की नहीं सुनते वो पत्थरों की सुनता था वो काबे के परनाले की सुनता था वो काबे के खिलाफ की बिल्कुल साफ साफ सुनता था और कहता था गौर से सुन तू रजा काबे से आती है सदा मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो जब सलाम पढ़ता था जब दरूद पढ़ता था ओए ये बेचस्सी नस्लें ये बेजौक लोग ये बेमुहब्बते ये बेइश्के क्या जाने जब सलाम पढ़ता था दरिया दर्द का चढ़ता था फिर यूं पढ़ता था कि मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा ऐसा कोई बंदा सुना है ऐसा कोई मर्द तका है ये अहमद रजा है कुरान का तर्जमा ये मेरे बच्चे भी बैठे हैं अजीज भी बैठे हैं अब तक दीनियात वगैरह किताबों में लिखते हैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से अब अगर मैं समझा सका हूं हदीस में है जब भी अच्छा काम शुरू करना अल्लाह के नाम से तो जितनों ने तर्जमे किए शुरू करता हूं
मती मारी गई। मैं शुरू करता हूँ, शुरू भी अल्लाह का नाम नहीं, करता हूँ ये भी नहीं। आला हजरत ने जब कलम उठाया, ये तर्जमान था, इस पे मदनी का एहसान था, ये अहमद रजा खान था, ये सुनियों की पक्की जान था। कलम उठाया तो तर्जमा बिस्मिल्लाह का फरमाया, और क्या किया, का अल्लाह के नाम से शुरू। ये छोटी सी बात लग रही है बहुत बड़ी है, लग रही है छोटी सी बात बहुत बड़ी है। अल्लाह के नाम से शुरू, हुन होश आया पर अब पानी लेके आए हो, जब प्यास मर गई। सारे अब जिद पे अड़े बैठे हैं, खामखा मुलवाले लड़े बैठे हैं जिद पे, ओए मान मान मान, ठीक है अहमद रजा खान, मान मेरी जान। बिस्मिल्लाह का तर्जमा कर नहीं पाए मेरे हमसाए, सानू समझावन आए, कोई इनानू समझाए क्यों जी। आहा, अब आप सोचेंगे उन्होंने भी अरबी पढ़ी, इन्होंने भी पढ़ी, जो इल्म इन्होंने पढ़ा वही इल्म उन्होंने पढ़ा, तो उनका बेड़ा क्यों किनारे नहीं चढ़ा। सबने एक ही मदरसों में किताबें तो एक जैसी पढ़ी, असल चक्कर और था। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत जियाउल उम्मत इस बात पे तबसरा फरमाते थे, आप फरमाया करते थे, बेटा कुरान है, कुरान है, हया वाली शर्म वाली दुल्हन की तरह। मिसाल दी, कुरान है हया वाली शर्म वाली दुल्हन की तरह, और दुल्हन की जब दुल्हन बन के सेज पे बैठती है, उसके चेहरे पे घूंघट डाला जाता है, हर कहमे को यूं करके नहीं देखती, यूं ही बैठी, हर कोई उसका मुंह नहीं देख सकता, हर कोई घूंघट, हजारों जांजी हैं, हजारों बराती हैं, किसी बराती को जुर्रत नहीं, भावे कोई है आए घूंघट उठाए, एक एक का इंतजार है, उसकी निशानी क्या है, उसके चेहरे पे सेहरा होगा जब वो आएगा घूंघट उठाएगा। फरमाया कुरान हया वाली शर्म वाली दुल्हन है, इश्क ये घूंघट उठाता है अपना, पर किस के लिए, जो इश्क मोहम्मद के सेहरे बांध के आता है। कुरान घूंघट उठाता है, आला हजरत आपने गौर फरमाया, कुरान अपने चेहरे से निकाब घूंघट उठाता है, पर किस के लिए, जो सेहरे इश्क नबी के बांध के आता है। कुरान उसको अपना आप दिखाता है। मेरा पीर वारिस शाह भी फरमाता है, कहते अधी रात जहां लोग आराम कर दे, अधी रात जहां लोग आराम कर दे, असी उठ के कार कमामनिया, खुए नैना दे गेड़ अश्नान करिए, ते मैल दिले दी दूर करामने, ते मुंह विच फेर दातां इस्तगफार वाली कदूर तां कड के बाहर वगामने, खुए नैना
नैना दे गेड़ अश्नान करिए ते मैल दिले दी दूर करावनिया हो का हक दा देवना फर्ज सानू अमरे हक बजा ले आमनिया होवे जोक ते शौक दीदार रखे उनू अपना आप भी खावनिया होवे जोक ते शौक दीदार रखे उनू अपना आप तू की समझदा है जेड़ा दाढ़ी शरीफ नू चमका के आ जावे कुरान उनू अपना मुंह भी खांदा है कुरान आदा है पहले मुंह धो के आ पहले इश्क मुहम्मद दे सेहरे पा फिर मेरे कूचे आ। इमाम महमूद बगदादी ने अलिफ लाम मीम जालिकल किताबुल लारैब अलिफ लाम मीम तशरीह करते करते कहा इसका भी कोई माना है फिर कहते हैं माना तो होगा जाहिर है उसने भिजवाया है साईं के पास आया है अगर माना ही कोई नहीं तो फिर भिजवाया क्यों है। अलिफ लाम मीम इस पे आगे कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना लुगत की जरूरत है ना तफसीर की जरूरत है जब कुरान को खोलते हैं लफ्ज उठ उठ के उनसे बोलते हैं लफ्ज उठ उठ के उनसे क्यों बोलते हैं सेहरे पहन के आते हैं लफ्ज घूंघट उठाते हैं बस यही मसला हम तुम्हें समझाते। तुसी थकते नहीं गए? हाँ पर मैं थक गया। तुसी आखो तेरी खैर है तू रोज ही थका रहना लेकिन खुदा के लिए गौर फरमाए इसको कान से सुन के इधर से ना निकालना संभालना। जिनको अल्लाह का कलाम मुंह दिखाता है वो फिर अल्लाह के कलाम के तर्जमे कर जाता है वरना बड़े बड़े रह गए बड़े बड़े। अब मैं एक एक मिसाल देता हूं और सौखी सौखी मिसाल देता हूं। कुरान मजीद में है कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाह मा तकद्दम मिन ज़म्बिक वमा तअख्खर। ये सूरत फतह 26वां सिपारा है और इसका तर्जमा करने मैं जान कर नाम नहीं ले रहा। हर मस्जिद में तर्जमे पड़े हैं। एक बड़े मौलाना साहब ने तर्जमा किया क्या ताकि ए नबी ताकि अल्लाह ताला बख्श दे तुझे तेरे पिछले गुनाह तेरे अगले गुनाह। दूसरा उठा उसने तर्जमा किया ताकि बख्शे अल्लाह तुझे वो गुनाह जो तुझसे पहले हुए जो तुझसे बाद में हुए। इस तर्जमे से साबित हो रहा है कि हमारा नबी मेरा नबी तेरा नबी पहले नबुवत के ऐलान से पहले भी गलतियां करता रहा बाद में भी गलतियां करता रहा पूरा दीन धड़ाम से नीचे आ गया पूरे दीन की बुनियाद उखड़ गई बेखौफ से दीन खत्म हो चुका। जब नबी ही गुनाह करे गलतियां करे फिर तू मैं। अब अकीदा क्या है? अकीदा सबका ये है जो तर्जमा करें उनका भी ये है कि नबी गुनाह से मासूम होता है। वो अकीदा ये तर्जमा ये या अकीदा बदल या तर्जमा बदल नहीं समझे या अकीदा बदल। वो कुरान से अकीदा बनता है या नबी को गुनाहगार ना लिख गुनाहगार लिखता है तो फिर अकीदा छोड़ दे नबी मासूम होता है। लेकिन सदके तेरे अहमद रजा मेरे वसन तेरे डेरे। मैं वो मिसाल नहीं दे रहा जो चनियोट की मस्जिदों में ना पाई जाए। मेरा खुला आजजाना ऐलान है हर मस्जिद में रखा हर तर्जमाए कुरान है।
मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, मेरी आदत नहीं है कि खामखा चिंगारियां फेंकूं, लेकिन समझने वाले तोड़ की नजर रखते हैं, जरा अल्लाह अकल दे तो सारे खबर रखते हैं। उंज साडे कंधे ते रख के मसले दा इना सारिया नूं पता हुंदा है, फिर चिट लिख के ले आणगे जी ये मसला दसो ते चन्नी उटाले फौत हो गए। नहीं समझा, चसा लैंदे ने चसा। ये कादरी साहब आणगे ते ओ आके कहे मैं चिट लिखांगा ते उहदे कंधे ते रख के चलावांगे, फिर पूरा हफ्ता धुमावांगे। पहले चनोट आले नाल मुक लिया करो, जे इथों ना लब्बे सौदा ते फिर लाहौर आया करो, एवें खा मखा लंबे चौड़े किराए दी केड़ी लोड। नहीं समझ आई। हाँ, वैसे भी मैं अर्ज क्या कर रहा हूं कि कुरान मजीद का तर्जमा करने वाली लंबे चौड़े नाम है। क्या किया ताकि अल्लाह बख्शे तेरे पिछले गुनाह, तेरे अगले गुनाह, किसी ने कहा तेरी अगली खताएं पिछली खताएं। जब इमाम अहमद रजा आया, नबी के घर का गधा आया, इश्क मोहब्बत का शहनशाह आया, तो फिर अदब नबी का साथ लाया, इश्क नबी का साथ लाया। वो रब है जिसे जिसने तुझे हमतन करम बनाया, और हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बताया। यही अहमद रजा ने फरमाया कि वो कुंवारी पाक मरियम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया सबसे अफजल आया, तुझे हमद है खुदाया। ये मेरे आला हजरत ने मेरे नबी की बारगाह में तोहफा पेश किया कि वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स नक्स का गुमान नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। ला दिल्ली ला दियोबंद ला सल्फिया, ऐसी एक मिसाल बता जिसमें कोई बोल रहा हो वो कमाल हुस्ने हुजूर है। या तुम्हें मेरे अली शाह मिलेगा या अहमद रजा मिलेगा। जरा सुन तो सही, मेरे अली शाह है और कैसी गजब की सदा है। सुबहान अल्लाह, मा अजमला का मा आसाना का मा अकमला का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना। चंद मुख बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखियां मद भरिया। वो अहमद रजा है, ये मेरे अली शाह है। मौलविया तेरे पल्ले क्या है, एवें ठाठा है। वोट के चक्कर में हमें फिसलाता है, चक्कर दे के वोट ले जाता है। जालिम किसका खाता है किसका गाता है, कई कई मुंह एक मुंह पे बनाता है, समझ किसी को नहीं आता है। ये तू बड़े बड़े बोर्ड देख के फिसल जाता है, मदरसे की ऊंची दीवार देख के फिसल जाता है। दीवार न तक प्यार तक, उर्वार न तक पार तक, संसार न तक नबियों का सरदार तक। अब आपको परली डालडा कंपनी का तो मैंने तर्जमा सुना दिया, अब जरा देसी घी खाएं। अब खालिस तर्जमे की तरफ आए, क्या तर्जमा किया, ले यग़फ़िरु लका अल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़्खर, कहा ताकि बख्शे अल्लाह ताला आपके सदके से आपके अगलों के आपके पिछलों के। कीते की दीवार सलामत है, लज परवर नबी का प्यार सलामत है, ईमान सलामत है, कुरान सलामत है।
ये तर्जमानी है, ये हक को सदाकत की निशानी है, ये सेहरा पहन के नबी के इश्क का आया है, इसी ने नारा लगाया है कि अर्रूह फिदा का फजिद हरका यक्षोला दिगर बरजन इश्का मुरतन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। बिस्मिल्लाह का तर्जमा आता नहीं है और टें टें फिश अहमद रजा के नाम के साथ मुकाबले, मेरी जान मेरी मान जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। ओफरे मुनकर ये बढ़ा जोश तासुब आखिर भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया। अब मैं जरा हदीस की तरफ आऊं क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है और मसला डोड़ा चौड़ा है। आला हजरत अजीमुल बरकत कुरान मजीद, एक और तर्जमा मैं करना चाहता हूं, वैसे तो मारूफ है लेकिन एक मीठी बात आ गई, वह है ना वावा जादा का दालन फादा। हजरत ने तर्जमा किया, कहा किसी ने कहा आप और आपको पाया भटकता, जिस उम्मत का नबी ही भटक किया वो उम्मत क्या राह पाएगी। किसी ने कहा आपको शरीयत से बेखबर पाया, किसी ने कुछ लेकिन जब अहमद रजा आया लेके शर्मो हया आया और कलम मोहब्बत वाला उठाया किल के रजा कलम उठाया नबी के आगे कलम को अपने आप को झुकाया, इसी लफ्ज का तर्जमा फरमाया। और क्यों फरमाया, इसलिए कि पीछे कुरान में है वन्नजमे इजा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, कसम है मुझे सितारे की कसम है मदनी प्यारे की कसम है इसके मेराज की कसम है इसके कायनात पे राज की कसम है इसके मेराज पे जाने की कसम है पलट के आने की। माद अल्लाह साहिबुकुम, ये जो तुम्हारा साहिब सरदार है ये ना गुमराह हुआ ना फिसला ना बहका ना भूला ना भटका ना खटका, वमा गवा ना ये कहीं राह से हटा है न रस्ते से कटा है, ये हक़ो सदाकत पे डटा है। जब ये कह दिया तो फिर ये तर्जमा तो फिट ही नहीं आता, पीछे खुद रब ने कह दिया मा दल्ला, तू कहते दल्ला, मैं तेनु समझावे अल्लाह, फिर कहते वजदक दालन। आला हजरत ने कहा भटकता नहीं फिसला नहीं तो फिर क्या है, फरमाया तुझे पता है कि ये दल्ला सूरत यूसुफ पढ़ उस सीढ़ी ते भी चढ़, एवें ना पिया साढ़े नाल लड़। हजरत यूसुफ के अब्बा याकूब नबी को बेटे कहते थे प्यार से, इन्ना का लफी दलाले कल कदीम, अब्बा उस पुरानी मोहब्बत विच गुम में, दलाल कमाना मौलवी जलाल ये भी है लफ्ज दाल दलाल, हुण पे कुरान दा काल हाल, अगर कोई मिल जाए तुझे पढ़ा लिखा खेच के रख देगा तेरी खाल। क्या तर्जमा कर रहा है, भटकता फिसलता गुमराह ना ना, फिर कहा क्या तर्जमा है, फरमाया दलाल कमाना यहां मोहब्बत है और यहां रब अपने महबूब को बोल रहा है दुश्मन को नहीं। कहा वावा जादा का दालन पस्त और तुझे पाया अपनी मोहब्बत में गुम पाया, अल्लाह।
मरहबा। अब इसको मजीद खोला नहीं जा सकता, यहीं से अगर किसी समझदार बंदे से किते देग पकदी पई होवे चनियोट शरीफ दे विच, ते किसी समझदार बंदे तो बंदा पूछे चाचा जी ये देग नू चेक करी आए कच्ची है या पक्की, ते चाचे हुरी ये पूरी प्लेट खावणगे या चावल अंगूठे ते रख के उते उंगली इंज फरमावणगे और बतावणगे कच्ची है या पक्की, तुहाडे कोल पूरी थाली खा के दस दें एक चावल, तो आप भी कुरान की एक आयत से ही समझ लें सच्चाई कहाँ है, अच्छाई कहाँ है, प्यार कहाँ है, मदनी यार कहाँ है। तुझे अपनी मोहब्बत में गुम पाया, लेकिन एक मर्द इनसे भी आगे आया, इनसे भी इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह सूफी था ना, सूफी आया, उसने तर्जमा करके और कमाल कर दिया। उसने कहा वावाजादा का दालन मान अब ही कर दिया, कहा आपको बेखबर पाया पर शरीयत से नहीं, किस से, कहा आपको इस बात से बेखबर पाया आपको पता ही नहीं था कि हम आपसे कितना प्यार करते। हाय हाय उठाओ लताइफ उल इशारात, फरमाते हैं तुहानू पता ही नहीं असी तुहानू किड़ा प्यार करने हैं। फारफ तो का वावाजा का दालन फहदा, फिर असा तैनू बुला के मेराज ते दसिया के किन्ना सानू तेरे नाल प्यार है। तर्जमे करने तर्जमानियां करनी सौखा काम नहीं है, पहले प्यार के समंदर में गोते लगाओ फिर तर्जमा करने आओ। और इल्म की दुनिया में किसी के जेब में 10 रुपए हैं सदके जाऊं भाई, वापीर जी ये क्या है जी, ये पीतल का है या चांदी का है, माल है भाई, चनियोट वालों को ये भी पता है कि ये कागज का है, सुभान अल्लाह ये कागज का है सरकार, ये किसका है, कागज का है, और ये कागज का है बस ये, और कागज का है 10 रुपए, इसकी चीनी भी मिल सकती है, इसकी गाजर भी मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है इसका, थोड़ी सही 10 रुपए है कागज, और यही कागज बाहर पड़ा हो पूरा किलो अखबार वाला आया नहीं समझे, इतना सारा गट्ठर बांध के रख लो और कहो लो 500 रुपया दो ये किलो कागज लो, वो कहते तेरा दिमाग खराब है, आप कहेंगे तोल ले, एक पासे 5 किलो कागज रख ले, ये 100 वाला नोट एक पासे रख ले, वो कहेगा है तो निकड़ा सा कागज पर कीमती बड़ा है, वो कहेगा तेरा दिमाग खराब है, ये भी कागज। बस समझ लो आप पहली मर्तबा जब कागज का नोट बना मसला शरीयत का था, उलमा का कुंडा खड़काया गया कि शरीयत से साबित करो कि ये निर्रा कागज 1000 का भी बिके 1,00,000 का भी कागज अगर मोहर ना लगी हो तो यही कागज धक्के खाता है, फिर ये कागज 100 का 1,000 का 1,00,000 का कैसे बन जाता है। उठाओ किताबें उठाओ फिका करो साबित दलायल से। अब मसला था नवा नवा, सहारनपुर आया दियोबंद आया, सल्फिया वालों ने तो अभी नींद से सिर ही नहीं उठाया, और यहां तक के मक्के शरीफ तक आया
और जमाल इब्न अब्दुल्ला मक्के के मुफ्ती ने कलम उठाया पर चंद सफों से आगे कलम ना बढ़ाया, आखिर मजबूर हो के ये कह के कलम रख दिया कि अल इल्म अमानतुन फी अनाकिल उलमा, इल्म अमानत है उलमा की गर्दनों में, कोई मर्द हक आएगा मसला हल कर जाएगा। फिर मर्द हक मक्के में आया, मक्के वाले उलमा ने अहमद रजा का कुंडा खड़काया, न लाइब्रेरी न किताबें मौजूद, अपने दिमाग की ताकत पे कलम उठाया, एक दिन पूरा आधा दिन अगला कई सौ सफे की जहादी साइज की किताब तैयार करके किफ्लुल फकीहिल फाहिम फी बयानिल करतासे व दराहिम, पूरा मसला भी हल, तोड़ पहुंचाई शकल, साबित करके दिखाया कागज दस का हजार का लाख का हो सकता है। जब वही हजरत जमाल इब्ने अब्दुल्ला लाइब्रेरी में आए, कलमी नुस्खा पाया, जब बाहर निकाला, देख के संभाला, हुआ उजाला, ऐसे हाथ मारने लगे हैरत से, कहने लगे और लाइब्रेरियन कहने लगा कि ऐना जमाल इब्न अब्दुल्ला फी हादन नसी सरी, ओए एक हिंद का शाहकार आया है, उलमा का सरदार आया है, करके बेड़े पार आया है, उम्मत की मुश्किल को हल फरमाया है, क्यों हल है, गौस अब्दुल कादिर जिलानी का उस पे साया है। इल्म की दुनिया, हिकमत की दुनिया, दानिश की दुनिया, कुछ की तरफ शाह साहब ने इशारा कर दिया। अब मैं समेटते हुए और इन तमाम चीजों की, तमाम चीजों की बेख बुनियाद इश्क है, इन सब की बुनियाद। आला हजरत कहते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अपने सुन्नियों को मैं यही दावत दूंगा, आला हजरत के लिए नारा लगाते हो ना कि इश्क मोहब्बत आला हजरत, तुसी भी मुका दे ओ सारी नफरत। ये आपस में नफरत फिर काहे के आला हजरत, या आला हजरत को आला हजरत कहना छोड़ दो, या इश्को मोहब्बत छोड़ दो, या फिर नफरत का आईना तोड़ दो, सबको एक तस्मी में जोड़ दो, वरना तबाही होती रहेगी, रंग उड़ते रहेंगे। इसलिए झूठे दावे न करो, या आला हजरत का सच्चा नारा लगाओ, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत कैंची नहीं सुई है, इश्क मोहब्बत कैंची नहीं सुई है। बसे दीदम यकेरा दो कर्द तेग, तेग इश्क भी के दोरा यके कुनत। इदा तर्जमा ए है, ए हरल साहब तुसी आदे सो मेरी कौम नू समझ नहीं आना, ते थोड़ी कौम ते मेरे तो ज्यादा समझदार लगती। हुण मैं मिसाल फारसी में मैंने कहा है, बसे दीदम के यकेरा दो कर तेग, असा यही वेख दे रहे हैं, जिथे तलवार डिग दिए ना उथे एक नू, जिथे छुरी फिर दिए एक नू दो, पर इश्क दी तलवार दे कम अनोखे, जिथे डिग दिए दो नू एक। सुन्नी उलमा मशायख हमें रगड़े ना दो, चक्कर ना चलाओ, फरहाद ना करो, धांधली ना करो, या आला हजरत का नारा छोड़ो, या सबको एक पर लड़ी में जोड़ो, एक
एकदा मन सही करना छोड़ो, इसलिए ये तो मेरी डिमांड है, गुजारिश है, अर्जदाश्त है, नियाजमंदाना है, बड़ा मुश्किल जमाना है, इसलिए यूं हो जाओ, यूं नहीं होवो, वरना हर उंगली टूट जाएगी, यूं हो जाओ एक मुंह हो जाओ, ताकि नारा लगे एक के एक के एक दी दम दम सिक्के, जेड़ा एक कूडू कर जाने ओ काफिर मुशरिक है, मकना तीस तलू है वांगू एक ढोलन दी छिक है, यार फरीद सुजानन कीते ए नुस्खा एक टेक। हम सब एक दरिया की मौजे हैं, हम सब एक लश्कर की फौजे हैं, एक दरिया की मौजे हैं, हम सब एक गुलशन के फूल हैं, खुदा की कसम हम सारे गुलाम हैं। इसलिए आला हजरत ने तो हमें एक बनाया, नेक बनाया और इश्क का सबक पढ़ाया, और जब मदीने मेरा माही आया, यही तो है आशिकों का सरमाया। एक मिसाल देता हूं, आला हजरत मदीने में बैठे थे, उलमा मशायख शुआरा का मजमा था, जमघटा था, एक हजरत अतहर हापुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े लसानुल असर थे, जमाने के शायरों में शायर थे, आलम थे, हुजूर के रोजे के सामने दो दरख्त थे खजूर के, आशिक थे मेरे हजूर के, दो दरख्त थे खजूर के, आशिक थे मेरे हुजूर के, और अजीब लगते थे, इधर गुंबद खजरा इधर दोनों ऐसे खड़े, हजरते अतहर की मोहब्बत की रग फड़की, उन्होंने शेर लिखा कि कब हैं, यानी खड़े हैं कब हैं दरख्त हजरते वाला के सामने, मजनू खड़े हूं जैसे खैमे लैला के सामने, मजनू खड़े हूं जैसे खैमे लैला के सामने। हजरते अतहर खुशी से फूले न समाए, सादात उलमा बुजुर्गान सबकी खिदमत में आए, शेर गज वज रज रज के सुनाए, सब ने कहा वाह, अहमद रजा ने कहा आह। नजर अपनी अपनी, सोच अपनी अपनी, अप्रोच अपनी अपनी, आह जो कहा अतहर हापुड़ी ने कहा, हजरत अहमद रजा उंगलियां रखनिया सौखियां, गल्लां तोड़ पुचानियां औखियां, आपने फरमाया तूने दिल दुखाया, तूने तमसील गलत दे दी, ओए किथे मजनू किथे यार दे दरख्त खजूर दे, आशिक मेरे हुजूर दे, ते किथे खैमे लैला, किथे रश के अर्शे उला। जिस गुंबद खजरा नू अर्श भी झुक झुक, गुंबद खजरा को खैमा लैला से तशबी, क्या गजब किया तूने, रुला दिया। अतहर ने कहा मैंने गलत कहा तो सही कर दो, फरमाया फिर सुन, उस शौक सीना चाक गुलामा ने शहे लौलाक और मदीना पाक। आला हजरत बोले अब सुने, कहा कब हैं दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हूं जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने।
या रसूल आला हजरत अल्लाह अकबर। हजरत का हुक्म है सर आंखों पर, बल्कि मुझे तो फख्र है, वरना लोग कोई कहे ना कहे आग दिन फरमाइश, तो हजरत का आर्डर है, आप हमारे सरदार हैं। आला हजरत ने कहा कब हैं दरख्त खड़े हैं दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हूं जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने, कुदसी खड़े हूं जैसे। हाय हाय, एक होर मिठी जी गल, काबे दे उत्ते गिलाफ है जेड़ा, ए नीला है के पीला है? अच्छा काला है, सुभान अल्लाह। काबे ते गिलाफ काला है, केड़ा गिलाफ है? काला। ते हजूर दे गुंबद दा रंग काला है के पीला है? सब्ज सावा सावा। ए तुहानू पता है बंदे जेड़े वेले एहतजाज कर देन या कोई टुर जाए ते दुख दा इजहार कर देन, केड़े रंग नाल? नहीं समझ आई। ओ जिन्हां दे कोई टुर जावन ओ फिर काले लिबास पा लें देन, ओ काला लिबास इंडिकेटर है के वस दे हासे ते विस दे ना हासे। असा सुन दे हासे मिठिया गाल ही, सुना यार सुने दा हासे, देंदा हा दिलदार दिला से, निखड़न याद ना हासे, बख्ता ओडी चंगे आन जेड़े सजना नाल निभास। काला रंग मातमियों का रंग है, और मातम कौन करता है, जेदा सिरदा साई टुर जावे, जेदा सोना टुर जावे, आया ओ काले रंग पा लैंदन, काले कपड़े पा लैंदन, ते सावे कपड़े ए विसाल दा रंग है, मिलाप दा रंग है, ए विसाल दा रंग है। ते आला हजरत अजीमुल बरकत आपने विजदान की मेराज पे पहुंचा दी बात, फरमाते हैं कि काबा भी डाढ़ा सोना, गुंबद खुजरा खजरा भी डाढ़ा सोना, पर करिए की एक दे कपड़े दुपट्टे काले, दूसरे दा आंचल सावा, काला रंग दस दे वस्ते ता हासे, तेरी छांते पल दे पे हासे, कर पासा गई सही धूप की थी, ते कुलुकदा छुपदा देख करई, सदा सैत भी गए लुक छुप की थी, चन चांदनिया चिट्टियां दुध राती, गई कहर दिया कालियां घुप की थी, अध बाजम दे तारे कबान वाले, अज चुंड वेच बैठू चुप की थी। नहीं समझे? मेरे आला हजरत से किसी ने कहा बताओ काबे का खिलाफ काला क्यों, गुंबद खजरा का रंग सरसब्ज क्यों? आपने जवाब दिया कमाल, कहते दोनों बनी सजीली अनीली बनी, मगर लफ्ज जरा औखे हैं लेकिन मतलब समझ में आ ही जाता है। दोनों काबा भी दुल्हन है, महबूब दूल्हा है, गुंबद खजरा भी दुल्हन है, महबूब दूल्हा है। हुण मसला ए है, दुल्हना है न दो, एक चनियोट च दुल्हन नु की आदे, खुदा दा वास्ता जे इत्तेफाक कर लो। ओए रोटी ता नसीब बना ली, इत्तेफाक ता कर लो। कुड़ी वोटी दुल्हन
जो भी कुंवार कुंवार भी कहते हैं, खैर तो कुंवारे वोटियां दो, दुल्हने दो, दूल्हा दोवे बैठियां सज धज के सेज दे उत्ते, ते तात लई बैठियां बरात आ रही है। ते जेड़ी दुल्हन दे कोल दूल्हा बरात लेके आएगा ओदा हाल होर होना है, ते जिथे नहीं जाएगा ओदा हाल होर होना है। आला हजरत कहते हैं दोनों बनी सजीली अनीली बनी, मगर जो पी के पास है वो सुहागिन कमर की है, सर सबजे वसल ये है गुम्बदे खजरा, सर सबजे वसल ये है सियाह पोशे हेजर वो चमकी दुपट्टू से है, जो हालत जिगर की है। हुण स्पीकर बंद चा करिए ते फिर एक मैं चार सत्रह पढ़ना ताकि मुफ्ती कोई ना सुने, या जेड़े मुफ्ती बैठे ने जरा कन्ना में एक डाट ला लैन ते असी जरा प्यार दी गल कर लवी। इसी पे आला हजरत की तो औखी उर्दू थी, सरेकी वाले सौखे हैं। वो कहता है मैं घुंड विच हम हम तांगे विच, दुल्हन जो बैठी थी सेज पे, मैं घुंड विच हम तांगे विच कने जोर दी कौ किड़वा आईए, बारहूं ताड़ियां दोल दमा में हन मैं खुश थैया जन आ गईए, वद्या सेंगियां सहेलियां वदियां सेंगियां मेल बिले द्यान झुड़ गाज अंधारी आ पईए, ना शाद ए निकम्मी लावा क्या लहा सड़ मोहसिन सेज सुआ थी, सेज ही सड़ गई वो जो नहीं आया, जहां आया है उसने गुंबदे खजरा कहलवाया है, जहां से आया है आज तक काले कपड़े पहन के रोता है, कहता है कभी यार यहां था कभी माही यहां था, अब दूर गया मुख मोड़ गया रोता छोड़ गया। आला हजरत कहते लोग रोते हैं दो दो कतरे कतरा कतरा, पर जब बारिश होती है और काबे के परनाले से पानी बहता है, फरमाया लोग कहते हैं परनाला पानी बह रहा है, फरमाया पर काबा रो रहा है परनाले छड़ गए सानू कमली वाले, जीम जोड़ हाथ दुआ मंगो शाला काल न पोवे बेलियां दा, मैले वेस फिरां विच जंगलां दे सुने साई बाजू रंग तेलियां दा, ना हार भावे ना सिंगार भावे ना भावे संग सहेलियां दा, मजरू शाह जिथ यार नहीं चल वेखो हाल हवेलियां दा। आला हजरत आला हजरत आला हजरत यही कहती है बुलबुले बागे जीना के रजा की तरह कोई शेर बयां नहीं, हिंद में वासिफ़े शाहे हुदा मुझे शोखिए तबे रजा की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया ना किसी को मिले ना किसी को मिला, के कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरो कलामो पका की कसम। अंजुमन जान निसारा ने खत्म नबुवत को मेरा सलाम, मेरा एक एक लफ्ज चनेट वालों के नाम पर, मैं तकरीर को बिल्कुल इब्तिदा में कर रहा हूँ इख्तिताम,
इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, रज के करेंगे कलाम। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।